जरा टाळा हो जाऊ दे अहमद साठी, 1 लाखापेक्षा जास्त व्यूअर्स असे. लौंडा सही बात बोल के गया, बिल्कुल सही बात बोल के गया. शादी अभी आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि इंसान के जब पाप का घड़ा भरता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब खुशियों का घड़ा भरता है तो उसकी शादी होती है. फिर भी आजकल के लड़कों में क्या छाया है मुझे नहीं पता, इनको रस्ते में एक लड़की दिखी नहीं उसके साथ शादी का ख्वाब ऐसा बना लेते, इतनी तेज बना लेते, इतने तेजी से आजकल नेताओं के वादे नहीं बदल रहे. और ये 14-15 साल के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है यार, इनके स्टेटस पे मूड ऑफ क्यों लिखा हुआ है? सोचने में हंसी आती है कि क्या प्रॉब्लम क्या है इनको. ये लोग इंस्टाग्राम भी चला रहे. हमारी जब 14-15 साल की उम्र थी, हमें इंस्टाग्राम तो छोड़ो, हमारी उम्र ही यही सोचने में निकल गई कि अगर शाहरुख खान सोनी मैक्स पे मोहब्बत में गिटार बजा रहा है तो वो वही समय पे जी सिनेमा में अवार्ड फंक्शन में क्या कर रहा है? क्या बात है भाई, क्या बात है भाई. देखो साफ साफ है, शादी में दो लोग होते, एक खुश होता है और दूसरा मर्द होता है. मुझे इनसे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दोस्तों से. पीछे बैठे हुए इन लोग की प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आती. एक दफा मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों गए मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए. वहां पे जब हम गए तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको पूछती है, बाबू आप मुझसे प्यार करते हो? ये जोश में आ गया, पता ये क्या बोल रहा है, मैं शाहजहां जैसा प्यार करता हूँ. अब लड़की खुश, लड़की के दिल में सब गुब्बारे फूटने लगे. तो लड़की पूछती है एक्साइटमेंट से, तो तुम मेरे लिए ताजमहल बना सकते हो? अब ये स्टड लौंडा है, ये रुकेगा नहीं. पता है इसने क्या जवाब दिया, कि मैंने प्लॉट खरीद लिया है, कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लिए, काम तो सिर्फ तेरी वजह से रुका है. चलो ये भी ठीक है, अब दोस्त है संभालने भी है. सब क्या होते हैं, वैसे मेरे भी है, बस मेरे थोड़े येड़े है. ये दफा वही दोस्त ब्रेकअप के बाद मुझे लेके गया दूसरी बंदी से मिलने. देखो मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी एक चीज से बहुत दिक्कत है, उनका मेल बेस्ट फ्रेंड. मैं कह रहा हूं अगर आपकी गर्लफ्रेंड का कोई मुंह बोला भाई है, मेल बेस्ट फ्रेंड है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, शांति से रहिए और छोड़ दो. मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसको, क्योंकि वो लड़का, वो उसका मेल बेस्ट फ्रेंड, वो उसका मुंह बोला भाई आगे आपके रिश्ते का कसाई बनने वाला है, वो नहीं दे रहा इनको टिकने को. और को टिकने नहीं दे रहा है. तो हम लोग गए, मैं मेरा दोस्त, चल रहे गए वहां पे. उसकी गर्लफ्रेंड आई जो होने वाली थी, चांसेस कम थे फिर भी थी, होने वाली थी, क्योंकि वो उसको मेल बेस्ट फ्रेंड को लेके आई थी. अब इसका सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है? पता है ये सबसे पहले क्या पूछता है, ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? अब तुम इंटेंसिटी समझो कि रिश्ते की शुरुआत पहले शक से हो रही है. शक किया, चलो ठीक है. अब जैसे उसने पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है. तो वहां पे पहले उसकी आंखों में आंसू दिखे, दिल में दर्द और हाथों में ब्लेड. तो
जैसे उसने कहा कि मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद जाहिर सी बात है मैं हंसने लगा। मैं अपने कोने में ऐसा बैठ रहा हूँ और वहां पे हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं भी किसी का मेल बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बात आगे बढ़ाते हैं। वो आई उसकी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ, इसने पूछा ये कौन है, वो बताई मेल बेस्ट फ्रेंड। भाई मेरी स्टोरी नहीं है, आप में से किसी की है। तो मेल बेस्ट फ्रेंड से बात हुई उसके बाद वो पूछता है कि इसको हर जगह लाना जरूरी है क्या, इसको हर जगह क्यों ला रही हो। तो पता है लड़की का जवाब क्या आया, जब आप जूते खरीदने जाते हो तो दुकान में नंगे पैर थोड़ी जाते हो। अब ये भी ठीक है, वो भी उसने सुन लिया और उसको लड़की को हाँ कर दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो दुकान में अपना पुराना जूता लेके आई। चलो अब शादी की है, हमेशा लड़की तो गलत नहीं होगी, कभी कभी लड़के भी होते हैं। लड़कों को अलग शौक है डैन बिल्जेरियन बनने का। अगर आपको नहीं पता, वो अमेरिका का जेठालाल है, उसके पास दया पहले ही है, लेकिन उसको बबीता भी चाहिए। तो अब इनको शौक है डैन बिल्जेरियन बनने का। मुझे समझ नहीं आता कि क्या है इनको दिक्कत, अगर एक है तो वो संभालो, कईयों की तो वो भी नहीं संभल रही है, फिर भी आपको दूसरी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ हुई, जब वो डैन बिल्जेरियन बनने गए और उसकी पहली गर्लफ्रेंड को मालूम पड़ा कि वो डबल डेट कर रहा है, उसकी पहले से एक और गर्लफ्रेंड हो चुकी है और दूसरी भी ले रहा है। चलो ये भी ठीक है, अभी मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। जो मेरे नौजवान दोस्त हैं उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी नुसरतें दुआ बन के रह जाएंगी, आपकी किस्मतें जुआ बन के रह जाएंगी, और जिसको तू सालों से पटाने की कोशिश कर रहा है वो एक दिन तेरे बच्चे की बुआ बन के रह जाएगी। अरे जो कुएं में पहले ही गिर चुके हैं, जो मेरे मर्द भाई है जो पहले ही कुएं में गिर चुके हैं, उनको हाथ जोड़ के बस यही कहूंगा कि तुम्हें लक्षात ठेवा कुत्र्याचा नवरा कधी होत नाही, पण नवऱ्याचा कुत्रा लवकरच होतो। थँक्यू सो मच वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। शांत चित्त अशांततेच मूळ स्वरूप, ऐकू दे त्या मनाचे मला सप्त सूर, स्पष्ट आहे अंधारात।